नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है, तो अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप एमपी में कहां पर रहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया मौसम विभाग की मान तो इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बरसात का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बरसात हो सकती है। इसके साथ ही शहडोल और रीवा सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के आसपास विपरीत दिशा में हवाओं के सम्मिलित जोन बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अलग अलग स्थानों पर बनी इन मौसम प्रणालियों के असर के चलते प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक रुक रुक कर बरसात का सिलसिला बना रह सकता है। साथ में आज इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, उज्जैन संभाग के जिलों में बरसात हो सकती है। विशेषकर इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर भारी बरसात के आसार है। इसी सीजन में दोस्तों जो है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 जून से लेकर 24 तारीख तक 8:30 बजे तक कुल जो है 1069 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है, जो सामान्य 935 मिलीमीटर की तुलना में 14% अधिक है। यानी अब तक के मुताबिक दोस्तों अच्छी खासी बरसात हुई और उतार चढ़ाव के साथ कल शाम 5:30 बजे तक दोस्तों मौसम बदला और उतार चढ़ाव के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है शिवनी में 62, मंडला में 45, उमरिया में 19, छिंदवाड़ा में 17, बैतूल में 10, खंडवा में 6, रीवा में 2, धार इंदौर में 0.2 और जबलपुर में 0.1 मिलीमीटर बरसात हुई। उतार चढ़ाव के साथ कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी तो कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की मत उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा में तेज बारिश होगी और भोपाल में भी हल्की बरसात और जबलपुर, रीवा, इंदौर में भी बरसात का सिलसिला चलता रह सकता है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में नरसिंहपुर, जबलपुर, भेड़ाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, उत्तरी शिवनी, डिंडोरी, अलीराजपुर, झाबुआ में बिजली के साथ भारी बरसात की संभावना है। साथ ही बैतूल, नर्मदापुरम बिजली के साथ मध्यम बरसात होने की संभावना। इसी दौरान खरगोन, देवास, महेश्वर, पश्चिमी बुरहानपुर और इसी के साथ दक्षिण शिवनी, रतलाम, धार, मांडू के साथ साथ इंदौर, सीहोर, दक्षिणी रायसेन, दक्षिणी सागर, दक्षिणी दमोह, पांडोना, पेंच, खंडवा, बुरवी, पूर्वी बुरहानपुर में बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आंधी हो सकती है। अनूपपुर, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया, बांधवगढ़, कटनी, पन्ना, मेहर, महुगंज, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, उज्जैन, शाजापुर, हरदा में बारिश हो सकती है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लगातार बदलाव के साथ पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, शहडोल संभाग में कहीं कहीं पर तेज तो कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात हुई। अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम बदलेगा। बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, धार, शिवनी, पांडुना में वज्रपात और झंझावत के झोंकेदार हवाओं के साथ कई जगहों पर अति भारी बरसात भी हो सकती है और चेतावनी भी जारी की है। इसी बीच दोस्तों मध्य प्रदेश के लगातार बदलाव के साथ परिवर्तन है। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, गुना, नीमच और मंदसौर में धूप खिली रहेगी। वही भोपाल, उज्जैन, जबलपुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बरसात के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी और भोपाल जिले में अधिकतर इलाकों पर मौसम खुला है, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। लगातार बदलाव के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और यहाँ पर अगले 2 दिन के दौरान जो ना, खास करके दोस्तों गुरुवार, शुक्रवार के दिन भी बरसात होगी। उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ गुरुवार, शुक्रवार को उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सतना में तेज बरसात हो सकती है, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत बाकी जिलों में हल्की से मध्यम और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। उतार चढ़ाव के साथ 6 दिन बाकी दोस्तों मानसून के और यहाँ पर अक्टूबर में विदाई की शुरुआत होगी। मानसून के दोस्तों मध्य प्रदेश में मानसून पीरियड जून से सितंबर के बीच में रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मानसून की विदाई अक्टूबर में हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार अक्टूबर में मानसून विदा होगा। नया सिस्टम एक्टिव हो गया तो मध्य प्रदेश में कई जिले फिर से उतार चढ़ाव के साथ, बदलाव के साथ दोस्तों मानसून जाता है, बरसात करके जाएगा। आपके यहाँ पर अभी बरसात हो रही है नहीं? आप मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव, शहर से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों मौसम विभाग की मान तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में रात के समय 26-27 तो दिन के समय जो है 33-34 के करीब तापमान रहेगा। बुधवार, गुरुवार से बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर कटनी में 26-27 रात के समय दिन में 33-34, गुरुवार, शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों कटनी के मौसम में बदलाव और भोपाल की बात करें तो 26-27 रात के समय दिन में 33-34 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे सीधी में 27-28 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार, शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में ठंडक, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। तो कई क्षेत्रों में बदलाव भी देखा जा रहा है, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी है, उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक भी देखने को मिलेगा। बड़वानी में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 3 दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ग्वालियर में 27-28 रात के समय दिन में 35-36 शुक्रवार, शनिवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और
बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों ग्वालियर के मौसम में और धार की बात करें तो 24-25 रात के समय तो दिन के समय 30-31 के करीब तापमान रहेगा। दो दिन तेज बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात होगी और बादलों की वजह के साथ बदलाव होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरे उज्जैन में जो है 25-26 रात के समय तो दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे हरदा में दो दिन अच्छी खासी बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक झमाझम बरसात होगी। शिवपुरी में रात के समय 26-27 दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार से तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात को लेकर चेतावनी है। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे मंदसौर में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमके की बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और झमाझम बरसात होगी। रायसेन में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन। शाजापुर में 26-27 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर विदिशा के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और झमाझम बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट और चेतावनी जारी है। इसी के साथ दोस्तों पूरे श्योपुर में 27-28 रात के समय दिन में 36-37 गुरुवार शुक्रवार से तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक, झमाझम बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अशोकनगर में 3 दिन बरसात होगी और गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन है। साथ में यहाँ पर दोस्तों पूरे सतना में जो है 27-28 रात के समय दिन में 33-34 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो कई जगहों पर और भी ज्यादा मिला जुला मौसम रहेगा और बादलों की वजह के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव होने को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। यहाँ पर दोस्तों गुना में 26-27 रात के समय दिन में 36-37 गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक बादलों की वजह के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ पर खंडवा में 25-26 रात के समय दिन में 33-34 और दो दिन तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी। डिंडोरी के मौसम में बदलाव, होशंगाबाद में बरसात होगी। सिंगरौली की बात करें तो गुरुवार शुक्रवार से तेज बरसात। उमरिया में गुरुवार शुक्रवार से, रतलाम में 2 दिन अच्छी खासी बरसात। राजगढ़ में 2 दिन तेज बरसात होगी। देवास में बूंदाबूंदी। छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड में भी शुक्रवार शनिवार से तेज बरसात होगी। सागर में गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात। नीमच, दतिया और पन्ना में बूंदाबूंदी होगी। और यहाँ पर दोस्तों शिवहर में गुरुवार को तेज बरसात। रीवा में गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात। शिवनी में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। शहडोल में गुरुवार को तेज बरसात। दमोह में 4 दिन बरसात होगी। टीकमगढ़ में 4 दिन बरसात। झाबुआ में 4 दिन बरसात और बिजली चमकेगी। इंदौर में बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। मुरैना में शुक्रवार तक तेज बरसात। नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा में दोस्तों तेज बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। बैतूल में 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। अनूपपुर के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया है। आगर की बात करें तो गुरुवार शुक्रवार को तेज बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। निवाड़ी में 27-28 रात के समय दिन में 35-36 गुरुवार शुक्रवार शनिवार से तेज बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक रहेगा। यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बदलाव के साथ एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने के साथ कई जगहों पर झमाझम बरसात हो रही है। तो कई जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ पूरे एमपी का मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। आप एमपी में कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना।